शुरुआत करिए बंदी सिंघां दी रिहाई दे नाल जुड़ी खबर तो। हर मनुखतावादी बंदा इस रिहाई की पैरवाई करता है, इस रिहाई के हक के खड़ा है। मार्च मोहाली दे विच लगातार हो रहा, संगत भी काफ़ी जुड़ रही है, पर जिहड़ा मार्च है उन्हूं रोकिया ते गिरफ्तारियां भी होईयां ने। देखो ये जथा जा रहा सीगा सीएम रिहायश बनी तो इन्होंने चंडीगढ़ बॉर्डर से रोक लिया। उस बॉर्डर से रोक के उन्होंने इन्हों डिटेन कर लिया माफ करना। उस तो बाद फिर इन्होंने दूसरी कॉल दी है, मतलब इन्होंने कहा कि अज असी 34 जने गिरफ्तारी देने वास्ते आए ने साडे जथे दे विच, असी कल नूं इह तों डबल आवांगे, मतलब कि 68 जने आवांगे। सो ऐलान यही होया हाल दी कड़ी कि यह जिहड़ा सिलसिला है गिरफ्तारियां दा वह जारी रहेगा, मतलब कि असी इधर नूं कूच करांगे, यह गिरफ्तारियां कर सकते हैं। सो लिहाजा देखो गल की है कि जदों किसी भी संघर्ष की तुसीं अणगौलता करोगे, उन्हूं गौलो नहीं गे, ता वह फिर मसला जिहड़ा खराब होएगा। मैं हैरान हाँ कि तुसीं उत्थे चंडीगढ़ दे विच बैठे हो, चीफ मिनिस्टर की मैं गल करना कि तुसीं उत्थे अपना कोई वफद ही घल दिओ, कम से कम गल तो तुरे ना, जो तुहाडे हाथ दे विच आ, तुहाडे अधिकार खेत्र दे विच आ, तुसीं खुल के दसो, तुहानू अपनियां मंगां तो जाणू करवाउण, तां किसे पासे मतलब कि गल जिहड़ी थोड़ी तुरे तां ही कोई हल निकल सकदा है ना। इह ते हुण चुप करके बैठे ने। असीं पिछली सरकार दे विच वी वेख्या कि बरगाड़ी मोर्चा जदों बड़े शिखर नूं छू गया तां उस वेले अमरिंदर सिंह दा वफद उत्थे पहुंचदा रहा। ऐसे सरकार दे विच भी आपां बरगाड़ी वाला मोर्चा जिहड़ा उहदे विच वेख्या कुलतार सिंह संधवा, सरारी अते होर कुछ आम आदमी पार्टी दे लीडर वेले समय जांदे रहे ने, तां हुण की हो गया? ये इहनां नूं वेखणा पवेगा, सोचना पवेगा। ते दूजी गल इह आ कि इहदे च कोई इह ते है नहीं गा कि तुहाडा बहुत ज्यादा कोई पोलिटिकली कोई लॉस हो जाणा आ, क्योंकि इह गल्लां हुंदियां आईआं ने जी। इह गल्लां कोई जग ते इह नहीं हैगीआं कि अगे हुई नहीं। मैं इस सरकार की गल कर देना जी सेंटर दे विच आ, देखो नॉर्थ ईस्ट दियां कई हथियारबंद जथेबंदियां दे नाल इन्होंने गल कीती है, तो ये डर वाली कोई गल नहीं होंदी, क्योंकि जो तुसी टेबल ते बैठोगे तदे मसला खुलदा हुंदा है। तां कई हथियारबंद संघर्ष दे विच रह चुके नेतावां दे नाल बाद इन्होंने गल कीती है बकायदा। गल यह कि सानू इन्हां चीजा तो डरन की थां ते हल वल वधन की लोड़ आ। डरना कोई ये है नहीं गा कि कोई ये तुसीं कोई बहुत वड्डी कोई देश ध्रोह वाली गतिविधि करनी है। इत्थे गजेंद्र सिंह शेखावत भी परफॉर्मा भर गया। हाँ तुसीं ये कह सकते हो कि तुसीं जो बचना ही है सियासी तौर पर, तो तुसीं कहो जी असीं तो किसी समुदाय विशेष दे धर्म विशेष की नहीं गल करते, असीं तो सारिआं की गल करते भाई, जिथे जिथे भी कोई हैगा नजरबंद इनी सजा जेड़ा कोई कट चुके भाई सारे रिहा कर दो, आही कुछ हो सकता सियासत दे विच जी। बिल्कुल, पर जे तुसी हुण बिल्कुल एक मोर्चा ऐ अणगौलिया छड़ोगे तां अगलिया ने तां फिर तुहानू चेतावन वास्ते, तुहानू दाबे हेठ लियाउण वास्ते, दाबू करन वास्ते कोई ना कोई कॉल देनी है। 26 जनवरी वाली भी कॉल सी, हुण उस तों बाद ये कॉल आ गई, फिर गिरफ्तारियां दा हुण सिलसिला उन्होंने ऐलान दिता कि जारी रहेगा, तां हो सकदा कल नूं कोई होर कॉल आ जावे। घटो घट तुसीं जाके गलबात करो, टेबल ते तां लैके आओ ना मोर्चे नूं जो तुसीं कर सकदे हो। इह तां आपां नूं वी पता कि सारियां रिहाइयां पंजाब सरकार दे हथ नहीं, पर जो कुछ पंजाब सरकार दे हथ आ खोल के दस सकदी है कि भाई साडे हथ दे विच आ कुछ है, इत्थों तक असीं पैरवाई कर सकने आ, तुसीं दसो तुसीं की चाहुंदे। तां जदों आपां बैठदे आ रल के आपस दे विच गल करदे आ, उत्थे कोई नितारा हुंदा है ना। खैर देखते हैं अगे कोई गलबात जिहड़ी है ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ।